बजरंग पूनिया कांग्रेस से लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। बजरंग पूनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राहुल गांधी से मिले हैं और बजरंग पूनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रेसलर विनेश फोगाट और हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, तो बहुत बड़ी खबर आ रही है ये, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और बजरंग पूनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और बजरंग पूनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की और माना जा रहा है कि बजरंग पूनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। और हमारे साथ तो हमारे सहयोगी अरुण फोन लाइन पर हैं। अरुण, तो बहुत बड़ी खबर है ये, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और चुनाव भी लड़ सकते हैं बजरंग पूनिया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट में से कोई भी विधानसभा चुनाव लड़े और विनेश फोगाट को पार्टी चाहती है, लेकिन अभी जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना था, उसके ठीक पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों मिले उनसे। और समझा जाता है सूत्रों के हवाले से, खबर है कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दिया है कि आप चाहें तो विनेश फोगाट को आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया में से कोई चुनाव लड़ सकता है, कांग्रेस का दावा है कि उनको फैसला करके बताना है, लेकिन बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। विनेश फोगाट ने भी ये वहां पर अपनी इच्छा जाहिर की है, समझाया जाता है कि बजरंग पूनिया चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो ये जो मुलाकात हुई काफी अहम है, पिछले दिनों जो आपने देखा था कि विनेश फोगाट को लेकर के हरियाणा में किस तरह का सेंटीमेंट देखने को मिला था, उसी सेंटीमेंट को कैटर करने की और अपने पक्ष में करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है और उसके लिए बजरंग पूनिया विनेश फोगाट से बड़ा कोई उनके पास चेहरा नहीं हो सकता था। तो ये पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया में कोई चुनाव लड़ेगा। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि बजरंग पूनिया विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी अरुण, और ये अगर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस के लिए ये विधानसभा चुनाव में काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी व्यक्ति को, किसी नेता को या किसी खिलाड़ी को अपने पक्ष में लेती है तो इसी को ध्यान में रखकर लेती है, उससे और फायदा क्या होगा। सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, पहलवानों को लेकर के, बॉक्सर्स को लेकर के और हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर के, हरियाणा के लोगों में एक अलग तरह का सेंटीमेंट होता है। वो आइकन होते हैं, यूथ आइकन होते हैं, पूरा हरियाणा उनके पीछे। आपने देखा था किस तरह स्वागत एयरपोर्ट से लेकर के हरियाणा तक हुआ था। तो वो जो लोग आए थे उनके सेंटीमेंट को भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश है ये। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात भी की थी, राहुल गांधी से भी मुलाकात हो गई, तो लगभग तय है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो काफी वोट बैंक उनकी तरफ आ सकता है। इस तरह की उम्मीद लगा करके ही कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट ऑफर किया। जी बिल्कुल अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़े।